अलग अलग है एकदम। ये देखिए आप ना इसको जरूर बनाइए। ये बस सब इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखोगे तो 10 मिनट में ये डिश रेडी रहेगा। तो मस्त है, नमस्ते टेस्ट ना, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। तो आप भी बनाइए, खाइए। अवल वेलचे दिल है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी डिश है ये। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये जो व्लॉग आएगा इंडिपेंडेंस डे के बाद ही आएगा, और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में हम मीठा ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक मीठे की रेसिपी ऐसे बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, केरला स्टाइल है ये भी। पोहे से बनता है, आप इसको 1 महीना 2 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, पर इसका जो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। और फ्रिज में रखोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हो तो ये वाला जो मीठा डिश है आप ये बना के दोगे तो अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, सिंपल है, झटपट बन जाता है। मतलब सब इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखोगे तो 10 मिनट में ये डिश रेडी रहेगा। आप देखिए मीठे पोहे की रेसिपी, ये हम लोग केरला में इसको अवल वेलेचेद बोलते हैं। वेलेचेद मीन्स पूरा उसका प्रोसेस को वेलेचेद, मैं आपको बताऊंगी बीच में कैसे कैसा है इसको बोलते हैं हमारे इसमें। अवल अवल मीन्स पोहा, अवल वेलेचेद मीठा पोहा तो मैं बोल रही हूँ, मुझे इसका नाम नहीं मालूम हिंदी में क्या है, तो मीठा पोहा बोल रही हूँ मैं आपको। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स और किस तरीके से इसका प्रोसीजर है बनाया जाए। ये देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये वाले जो मेजरिंग कप है, ये मेजरिंग कप में मैंने इसको 2.5 कप लिया हुआ है। जितना आपने पोहा लिया है उतना नारियल, ये मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है नारियल। ये नारियल जितना लोगे उतना अच्छा टेस्टी रहता है, तो बराबर मैंने ये जितना ये पोहा लिया है उतना मैंने ये नारियल लिया है, उतना ही मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ अगर आप काला वाला लोगे ना, थोड़ा सा कलर वाला, काला कलर का गुड़ रहता है, तो इसका जो कलर है थोड़ा और अच्छा आएगा। ये जैसे थोड़ा सा रेडिश में रहेगा तो भी कोई बात नहीं, अच्छा रहता है। जो पोहा जो लेना है, थोड़ा सा मोटा वाला जो पोहा होता है ना, पतला वाला पोहा लेना ही नहीं है, जो मोटा वाला पोहा होता है ये व्हाइट कलर का जो है, ये वाला मैंने लिया है। मैं बनाती हूँ मटर राइस में, आपको जो बताई थी ना रेड राइस, उससे बनता है। उसका जो पोहा भी है थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है, वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो हर जगह रेड पोहा मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं व्हाइट पोहा की रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। तो मैं जो प्रोसेस कर रहे हैं तो उस बीच में आपको इसके सारे टिप्स वगैरह बताऊंगी, लॉन्गर इसको कैसे स्टोर किया जाए उसका सारा मैं आपको बताऊंगी। जितना पोहा उतना नारियल और उतना गुड़, और ये है चना, रोस्टेड चना, चटनी बनाते हैं ना रोस्टेड चना। और ये मैंने किशमिश, काला किशमिश को धो के सुखा के रखा हुआ है, ऑप्शनल है, आप दूसरा किशमिश भी रख सकते हैं, मैंने काला किशमिश लिया है। और ये मैंने इतना काजू लिया है और इतना नारियल, और नारियल तो ऑलरेडी है, मैंने ये जो इसके जो चंक्स लिए हैं वो मुंह में कटता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये नारियल ऐसे चंक्स करके इसको इस तरीके से काटा हुआ है। ये भी ऑप्शनल है, ये रहेगा तो अच्छा रहता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये है इलायची और जीरा, ये मैंने इसको ऐसे रफली इसको कूट के रखा हुआ है। इलायची मैंने कम से कम 15 के करीब मैंने इलायची लिया है, और जीरा 1 चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया, इसको कूट के मैंने ऐसे रखा है। 1 चम्मच के करीब मैंने तिल लिया, इसको भी मैंने वॉश करके इसको सुखा के रखा हुआ है। और 1 चम्मच मैं सौंठ पाउडर भी डालूंगी, जो ड्राई जिंजर पाउडर, ड्राई अदरक का जो पाउडर होता है सौंठ जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर भी मैं इसमें डालूंगी, तो वो भी मैं आपको बाद में साथ साथ में सारा प्रोसीजर बताती हूँ। बस इतना ही इंग्रेडिएंट है, बहुत ही टेस्टी है। और आप देखिए, चलिए गुड़ को मैंने ऐसे छोटा छोटा इसको ऐसे करके काटा है, तो ये क्या जल्दी से पिघल जाएगा। ये मैंने 1/2 कप पानी डाला है इसमें, इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाला है, और बस इसको मैं पिघलाऊंगी ज्यादा, मतलब इसको ऐसे तार वाली चाशनी ऐसा कुछ नहीं, बस ये अच्छे से पिघल जाए। अभी ये साइड बाय साइड पोहा को अभी मैं इसमें रोस्ट करूंगी। बिना पोहा रोस्ट किए भी डाला जा सकता है, पर क्या है ये थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लो ना
तो ये लॉन्गर पीरियड में इसमें जो भी थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह कुछ भी रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये आप ज्यादा लॉन्गर पीरियड में आप ज्यादा टाइम के लिए आप इसको रख सकते हो। अभी एक हफ्ते के लिए भी खाना हो तो आप ऐसे डाल दो, मतलब इसको ऐसे गर्म करने की जरूरत नहीं है। पर अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ कि जस्ट थोड़ा सा, और इसको ज्यादा देर भुनना भी नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, बस इसको बस एक गर्म होना है ताकि वो उसका जो भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। और साइड बाई साइड ये भी देखिए गुड़ भी पिघल रहा है, पोहा मैं इसमें डाल रही हूँ, डाल के इसको बस मैं 4 मिनट से ज्यादा मैं इसको गर्म नहीं करूंगी, तो क्या है उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप एक बार छू के देख लेना कि गर्म हुआ कि नहीं, बस उतना ही। ये देखिए अभी ये 4 मिनट हो गया है, मैं पकड़ के देख रही हूँ तो गर्म है ये, बस इतना ही करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर दी हूँ, गुड़ भी लगभग पिघल चुकी है, अब इसको भी मैं ऑफ कर दे रही हूँ, इसको साइड में यहाँ पे रख रही हूँ, इसको भी मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इसी में वापस, क्योंकि इसमें ही मुझे बनाना है बाकी जो भी है। देखिए ये पोहे को मैंने इसमें ट्रांसफर किया है और इसको एक और बार पोछ लिया है, जो भी पाउडर वगैरह इसका जैसा है ना, इसलिए मैंने इसको अच्छे से पोछ लिया है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस, और वैसे तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसमें ऐसे की हूँ गैस में, नहीं तो मैं माइक्रोवेव में करती, 1.5 मिनट में मेरा पोहा रेडी रहता। कैसे टूट रहा है एकदम आराम से, क्योंकि 4 मिनट मैंने इसको ये गर्म किया। लंबे पीरियड में आपको ये पोहे वाली रेसिपी रखना है, मीठे पोहे वाली रेसिपी रखना है, तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। तो इसका जो मॉइस्चर है, मतलब ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है ना, ये जो हल्का फुल्का जो भी मॉइस्चर है ना उसको थोड़ा सा ये करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर आपको लंबे पीरियड के लिए रखना है तो थोड़ा सा और इसको मतलब ब्राउन करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में इसको फ्राई करूँगी, इसका बस एक मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, बस उतना ही। जितना बराबर नारियल लेंगे ना उतना टेस्ट रहेगा, नारियल से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ रहता है, तो बराबर बराबर मात्रा में इसको लेना है, जितना पोहा उतना नारियल और उतना गुड़, उसका मेजरमेंट है। आप मीठा जैसे कम ज़्यादा करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इतना ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा देर स्टोर नहीं करना, ये हमारा झट 3-4 दिन में ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर और इसको स्टोर करके रखना हो तो और थोड़ा सा इसको गरम कर सकते हैं। देखिए गरम हो गया है थोड़ा सा और इसमें धुआं भी आ रहा है, तो बस इतना ही। छन्नी जो है प्लास्टिक वाला मत लीजिए, ये जो होता है ना बीच वाला, थोड़ा जो लोहे वाला जो भी है मेटल दूसरा वाला वो लीजिए। अब ये देखिए गुड़ को मैं इसमें छान रही हूँ, इसमें जो भी गंदगी वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। अब जो हमने ये वाला जो फ्राई किया है ये गुड़ में डालेंगे, ये देखिए अब ये गुड़ में अच्छे से पकेगा। ये काला वाला गुड़ होता है ना वो ज्यादा अच्छा रहता है, उससे क्या है कलर भी बहुत अच्छा आता है। हमें नारियल को गुड़ में तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर से जितना रिड्यूस होगा उतना अच्छा रहेगा, और ये गुड़ में ज्यादा पकेगा ना तो और टेस्ट बढ़ेगा, नारियल जो है पूरा गुड़ को पूरा सोख लेता है तो और टेस्टी रहता है। उस बीच में हम दूसरा काम कर लेते हैं। देखिए जिसमें मैंने नारियल को फ्राई किया था ना, ये कढ़ाई को मैंने रख दिया है, इसमें घी क्या है थोड़ा अच्छा टेस्ट देता है, मैं इतना घी डाली हूँ। अलग अलग करके भी इसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, मैं सब एक साथ ही कर रही हूँ, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। तो सबसे पहले मैं डालूँगी नारियल, ये जो है ना नारियल, कच्ची नारियल है ये। गुड़ में मैंने ग्रेट किया हुआ कच्चा नारियल लिया है ना, आप उसके बदले कोकोनट भी डाल सकते हैं, तब उसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई फॉर्म में है, वो ये क्या है कच्चा फॉर्म में है। तो आप डेसिकेटेड कोकोनट डालोगे ना तो आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिन के लिए आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये देखिए अभी मैं इसको, ये हाफ फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा हाफ फ्राई हो जाएगा, फिर एक 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 चीज मैं इसमें डालूंगी। अभी सिम में रखा है क्योंकि 2 काम एट ए टाइम चल रहा है ना, मतलब मीडियम में रखी हूँ मैं इसको। यदि जैसे आप लॉन्गर पीरियड में इसको रखना है तो आप इसको अच्छा लाल करना है, मतलब एकदम जलाना नहीं है, काला नहीं करना है, अच्छा लाल करना है। तो अभी मुझे क्या है, अभी तो हम लोग कंज्यूम कर लेंगे ना जल्दी से, तो देखिए अभी मैं इतना लाल की हूँ, लाल करने के बाद तुरंत ये डालूंगी काजू,
जैसे ये हो जाएगा तो मैं किशमिश डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी किशमिश भी लगभग फूल रही है ना, तो मैं ये रोस्टेड चना है वो मैं डाल रही हूँ। ये रोस्टेड चना क्या है ना, बहुत अच्छा लगता है, ये सारा चीज मुंह में आता है ना, ये जब हम खाएंगे तो ये कटता तो अच्छा लगता है। ये देखिए बस रोस्टेड चना को लाल नहीं करना है, बस उसको हल्का सा इसको फ्राई की। अब ये देखिए सब सब कुछ हो गया है। अब मैं इसका स्विच ऑफ कर ली। स्विच ऑफ करने के बाद ये तिल को मैं इसमें डाल रही हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद मैं डाल रही हूँ तो उसमें जितना ये भुनेगा उतना ही, ज़्यादा भुनना नहीं है। बस ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ तड़का। ये तड़का हमारी तैयार हो गया। गुड़ भी लगभग देख रहे हैं आप, इतना पानी होना चाहिए, एकदम सुखाना नहीं है। नारियल जो है पूरा अच्छे से ये सोख लिया है हमारी गुड़ को, इतना हो गया ना। अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर रही हूँ, 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 3 मिनट के लिए मैं इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं ये डालूंगी। गरम गरम में डालो ना तो इसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाता है। मट्टा राइस का बहुत टेस्टी रहता है, तो मिले आपके पास अवेलेबल है आपके एरिया में तो आप उससे ज़रूर बनाइए, उसका टेस्ट अच्छा रहता है। 3 मिनट हो चुका है ये, अब मैं ये डाल रही हूँ पोहा, ताकि एक बार इसको ऐसे मिक्स कर रही हूँ। पोहा भी मिक्स कर रही हूँ ना, तो साथ ही साथ ये भी डाल रही हूँ इलायची पाउडर और जीरा पाउडर। ये मैंने जीरा भुना हुआ नहीं है, ये कच्चा ही है, ये इसमें डाल रही हूँ। और साथ में सौंठ पाउडर भी, देखिए मैं 1 चम्मच इतना डाल रही हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये तीनों डालो तो, नहीं तो आपके पास सिर्फ इलायची डालोगे तो भी चलेगा। देखिए इसकी ऐसी खुशबू आ रही जैसे ना हम लोग खीर बनाते हैं, खीर बनाते मैं आपको भी उसकी रेसिपी दिखाऊंगी, तो वो खीर की मुझे मतलब ऐसी वो खुशबू, उसकी एरोमा आ रही है। ये देखिए अभी ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें आप 1 चम्मच घी और डालना चाहे तो और अच्छा रहेगा, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। इसमें जितना भी वो जो फ्राई की हो ना वो घी, उतना ही ये काली वाली जो गुड़ होती है वो रहता है ना, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये क्या वाइट कलर, थोड़ी सी वाइट कलर बोलते हैं हम लोग, वाइट कलर की गुड़ टाइप है ना ये, तो इसका कलर इस तरीके से आया है, लाइट ब्राउन आया है इस तरीके से। और ये जो पोहा है पूरा जो गुड़ है, गुड़ का पूरा अपना वो सोखेगा, फिर उसके बाद ये कल खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, और उसके बाद उसके और नेक्स्ट डे खाएंगे तो और अच्छा, मतलब जितना आप इसको रखेंगे उतना टेस्ट बढ़ता है, ठंडा हो जाएगा, आप इसको तुरंत कंज्यूम कर सकते हो, तुरंत इसको आप खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम पूरा प्रॉपर ठंडा हो जाने के बाद इसको आप एयरटाइट कंटेनर में इसको रखोगे, ये काफी दिन तक चलेगा। आप इसको शाम के स्नैक्स में भी आप इसको खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर सब कुछ नहीं ये रखा हुआ है तो ये और केला के साथ भी केलो खाते हैं। मुझे वैसा पसंद नहीं है, केला के साथ पसंद नहीं, मुझे ऐसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है, केला उसको केले में वो स्मैश करके ऐसे खाते हैं, मुझे वो उतना पसंद नहीं है। गुड़ अगर डार्क रहता तो ये डार्क रहता हमारा जो अवल वेलचेदर मीठा पोहा। इसको क्या करते हैं ये देखिए, इसको इस तरीके से दबाते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ढकना नहीं है ऊपर से, ढकेंगे तो क्या है उसका भाप से ये फिर खराब हो जाएगा। एकदम हेल्दी सुपर यम्मी अवल वेलचेदर है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। मीठा के लिए गुड़ है, नारियल है, चना रोस्टेड है, काजू है, किशमिश है, तिल है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी डिश है ये, तो आप इसको जरूर बनाइए। एनी टाइम ये खाने के लिए, मीठा खाने का मन कर रहा है ये बनाइए, जल्दी झटपट बन जाता है ये। एकदम अच्छे से ये सोख लिया है, कल तक और अच्छे से ये हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ प्लेट में डाल के, ये देखिए कैसा एकदम अलग अलग है एकदम। ये देखिए आप ना इसको जरूर बनाइए। ये देखिए सुपर टेस्टी अवल वेलचेदर, 1 चम्मच घी आप और ऐड कर सकते हैं, मेरे लिए तो ऐसा है कि सफिशिएंट है, उतना घी सफिशिएंट है, और एकदम सुपर टेस्टी है। ज़रूर बनाइए अवल वेलचेदर, डिफरेंट रेसिपी है, काफ़ी दिन तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो बनाइए। मैं आपको एक खा के दिखाती हूँ ये कैसा है। काजू भी ली हूँ, कोकोनट की चंक्स भी ली हूँ, ये रोस्टेड चना और किशमिश और तिल, तिल भी एकदम मस्ट है, मस्ट मीन्स जरूरी है ये। अब ये खा के बताती हूँ,
एकदम सुपर टेस्टी, मीठा इतना सफिशिएंट है, जो मीठा पसंद करते हैं इतना मीठा एकदम सफिशिएंट है। को भी टेस्ट कराती हूँ, कैसा है? एकदम मस्त है, एकदम मस्त है ना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाइए और खाइए। अवल वेलचेद कैसा है बताइए। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ। देखते रहिए दीपा स्टेल। बाय।